नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना, यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक का डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं, उस उपाय में केवल आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन आपको सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, ना केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहां तक कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करे, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको लेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है। क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहां तक कि वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है
तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है, और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया, अनुसार कर लिया, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखेगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे वो है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वो जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है, तो उपाय कीजिए जो आपको बता रहे। और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाएं उस पानी में हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य ही बात करने जाती है और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप ये देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे। और यहां उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है वो खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। प्रतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच के गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा। आप लोग गंगाजल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाएगा, गंगाजल भर लिया, अपने आप को एक चम्मच सफेद नमक उस गंगाजल में डाल देना है। अब इस एक गिलास पर गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आपको ऊपर से लाल कपड़ा ढक देना है और लाल कपड़े को बांध देना है। आगे से अब इसी गिलास पाने कमरे में किसी भी दिशा में रख दीजिए। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं केवल इतना भर करना है। आपको यह उपाय अपने कर लिया, हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे और एक चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोस्त होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से को आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आप दोस्तों, आप जो आपका उपाय बताने जा रहे हैं या उपाय है, उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय मान लीजिए। आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मनी मंगल है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपके जीवन में बड़ी स्थिति खराब होती चली आ रही है आपकी, तो आपको क्या करना है? बस आप लोग याद कीजिए,
मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाए तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाए। दोस्तों, इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि दोष है, मंगल दोष है, आपके साढ़े साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी ऐसी परेशानी, उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, दोष कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकते हैं, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और यदि आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर के उसका सेवन करते हैं, मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोषी होंगे उनके प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। आप जो आपको इतना रहे हैं वो है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आप हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चलाएं और आपको आपके भाग्य का साथ मिले, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। देखिए, बृहस्पतिवार को छोड़कर के बस ये उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा, और यह उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन बृहस्पतिवार छोड़कर गया, लोगों को जब सुबह नहाने रहे हो तो नहाने वाले पानी में एक चम्मच सफेद नमक मिला दीजिए, उसके पश्चात नहीं। ये यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।